भोपाल के हिंदी भवन में राष्ट्रीय पर्यावरण संसद का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को संवाद के लिए बुलाया गया। इस दौरान देश में पेड़ और पर्यावरण को बचाने के लिए मुहिम चलाई गई। कार्यक्रम के दौरान सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर के साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बक्सवाहा और केन नदी लिंक परियोजना सहित कई मुद्दों को लेकर गांधी भवन में पर्यावरण प्रेमियों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भी अपना विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, ऐसे नियम नहीं बनने चाहिए जिससे पेड़ों को नुकसान हो। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने कहा कि कई बार सरकार संविधान और नियमों को दरकिनार कर कार्य करती है, सरकारों को समाज के हित में जुड़े फैसले लेने चाहिए। राजनेता वोट बैंक की राजनीति करते हैं, शराब लैपटॉप साड़ी की राजनीति कर वोट बढ़ाए जाते हैं। उन्होंने कहा कोरोना काल में सबने ऑक्सीजन की कमी को देखा है, ये समय जल जंगल जमीन बचाने का है। महत्व की बात है कि जिस प्रकार की हकीकत आज देश में घट रही है और जो चुनौतियां सामने हैं वो जनतंत्र की है, जो संविधान की है और जो मानवीय अधिकारों की है, उसके साथ साथ विकास की अवधारणा की है। और इसीलिए इन मुद्दों पर राजनीतिक दलों की भूमिका अगर अलग है और जनता के ये प्रतिनिधियों की भूमिका अगर अलग है तो फिर कैसे होगा समन्वय? और जो निर्णय होते जाएंगे आपको भी पूछने का मौका न देते हुए भी हो सकते हैं। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने लोगों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पर्यावरण प्रेमियों के साथ है, वे इस दिशा में जो भी मदद चाहते हैं वे करेंगे। उनकी पार्टी केन बेतवा लिंक परियोजना और बक्सवाहा में जंगल काटने का विरोध करती है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि पर्यावरण को लेकर उनकी पार्टी सजग है, उन्होंने खुद इस विषय में अध्ययन किया है। बक्सवाहा में पुराने शैल चित्र और वर्षों पुरानी सभ्यता है जिसे हीरे के लिए बर्बाद किया जा रहा है। सरकारें विस्थापितों को भूल जाती है, आज भी सिंगरौली में विस्थापित परेशान हैं। निश्चित तौर पर लाखों पेड़ जब इससे कटने वाले हैं तो जिस तरह से उस योजना को परिवर्तित कर दिया है इसका कांग्रेस पार्टी भी विरोध करती है। इसको हमने जो हमारी सरकार थी कमलनाथ जी की उसमें इसको कोई अप्रूवल नहीं दिया गया है। और जहाँ तक बक्सा खदान का है इसमें इसका भी कोई जो हम लोगों का एक बहुत कम समय का पीरियड था और आपने सही कहा कि अगर ये लोग जो चले गए नहीं जाते तो हो सकता मैं आज भी कानून मंत्री रहता। जो बात आ रही है कि बक्सवाहा की और केन बेतवा के तरफ की लड़ाई की बात है, देश के अंदर अभी तक के जो विस्थापन के मुद्दे रहे हैं वो जितने भी अध्ययन शुरू से पढ़ने आज़ादी के बाद से 30% से ज़्यादा अभी तक लोगों को ठीक से विस्थापन उनको उनका अधिकार नहीं दिया गया। कानून जो बने हैं उन कानूनों को किस हद तक लागू किया गया है, किस हद तक लागू करने की बात रही है, ये सारी बातें आई हैं। चूँकि अभी जो सरकार बैठी है सत्ता में, जो सरकार है ये सरकार खुले तौर पर पुराने जो जनहितैषी कानून थे उन कानूनों को बदलकर अपने हिसाब से या अपने इंटरेस्ट के आधार पर या जो उनके लोग हैं उनके इंटरेस्ट के आधार पर कानून बना रही है, खुले तौर पर दिख रहा है। चाहे EIA का कानून 2020 की बात, एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी योजनाएं हमारी, वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण परियोजना, उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें।
आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक झोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पगडंडियों से सड़कों तक गांव से शहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजनीति से कूटनीति तक दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।